ऐसी प्रिपरेशन करनी है अपनी इंटरव्यूज की भी, कोडिंग की भी। इंफोसिस हो गई, टेम सिस्टम, एसेंचर, और लास्ट में निकाली हमने सैमसंग इसका पैकेज। अभी जो है हम लोग इस रेस्टोरेंट पे आए, अभी अपना डिनर आ चुका है। तो गाइज अभी हमारे साथ है अजय भाई। अजय भाई का मैं बता दूं, अभी जो प्लेसमेंट लग चुका है यहीं ग्राफिक एरा से। कौन सी कंपनी में लगा है अजय भाई? स्टील टेक्नोलॉजीज में जो है प्लेसमेंट लग चुका है, और अभी जो है भाई काम से आए हुए हैं यहाँ कॉलेज। ये देखो अपनी डिग्री लेने, ये जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। बाकी तो डिग्री कब मिलेगी? डिग्री फिलहाल अभी अगले साल तक मिलेगी, एक साल बाद ही मिलेगी ना। हाँ, और ये भाई ये MBA का भी पूछ के जा रहे हैं। बताओ MBA जो इतने में पढ़ रहा है, इनको कहते हैं मतलब BTech हो गया तुम्हारा, प्लेसमेंट भी हो गया, अब MBA की क्या जरूरत है तुम्हें ये बताओ मुझे। MBA इन फ्यूचर स्टार्टअप करने का काम आता है, और फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम जैसे किसी कंपनीज में पोस्ट अपग्रेडेशन भी काम आता है, तो इससे मेरी ये चॉइस यही है कि मैं आगे को इन फ्यूचर MBA कर लूं। मतलब BTech से खुश नहीं हो तुम्हें, तुम्हारी 11 लाख की प्लेसमेंट लग चुकी है, तुम उससे खुश नहीं हो? नहीं, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना डिस्टेंस भी कर सकता हूँ, रेगुलर भी कर सकता हूँ, अभी तक उस प्लान पे शिफ्ट तो हुआ नहीं है। तो जहाँ तक है फिलहाल अगर इसी ऐसे करता हूँ तो अपना मैं डिस्टेंस से करूँगा। अरे बढ़िया है यार, बिल्कुल, और ज़्यादा तरक्की करो तुम, यही दुआएं हमारे तरफ से। तो बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें, थैंक यू भाई, 11 लाख के पैकेज के लिए। बाकी अभी अजय भाई यहाँ हैं, और अपने 20 लाख और 44 लाख वहाँ देखो वहाँ पे खड़े हैं दोनों, अभी वहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं जरा, अभी वहाँ पे भी चलते हैं, उनसे भी मिलाते हैं आपको। सो गाइस मिलिए हमारे हिमांशु भाई से। ये हमारे हिमांशु भाई जो है अभी कितने में 44 लाख का जो है अमेजोन में प्लेसमेंट लग चुका है भाई का, और ये जो है भाग रहा है। तनुज भाई जो है 20 लाख सैमसंग, ठीक है, जो चलता फिरते 20 लाख चल रहा है अभी यहाँ पे, 20 लाख का प्लेसमेंट अब बैठ चुका है, 20 लाख का प्लेसमेंट, और ये सारे 2-2 लाख वाले बैठे हैं यहाँ पे। ये तुम कितने वाले हो? एक का है। और रैगवाल भाई तुम कितने वाले प्लेसमेंट वाले हो? 50 वाले। तुम ये लिमिट से बाहर है हमारी। तो अभी सबसे पहले जो है आप हमारे तनुज भाई से मिलिए। तो तनुज भाई कुछ बताओ जरा, कुछ टिप्स दो जरा, कोई अपने। अरे हाँ, और जो है अभी इनको जो है प्राइज भी मिला था 50,000 दिया था। तो हमारे हिमांशु भाई जो है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु भाई को, ठीक है। तो क्या था अभी मैं बताऊँ, 44 लाख का जो है प्लेसमेंट अचीव किया है भाई ने, इसे ग्रैब किया है, ठीक है, ग्राफिक एरा से, आई लव गेहूं से, ये देखो, ठीक है, और ये हमारे 11 लाख, और ये रहे हमारे 20 लाख सैमसंग, और कंपनी STL अमेजोन, ठीक है। तो तीनों को बहुत कंग्रेचुलेशन, और बाकी जो है हम अभी पूरा जो है आपको इंटरव्यू देंगे हिमांशु भाई का, कहते हैं कैसे जो है हिमांशु भाई की प्रिपरेशन रही, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हिमांशु भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, पहले आप 20 लाख से शुरू करेंगे। 20 लाख वाला कह रहा है पहले बड़े से शुरू करो, 44 वाला कह रहा है 20 लाख में शुरू करो। इंटर्न वाले का करो ना पहले, अच्छा भी इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है। तो ठीक है, सब जो है अपने अपने अकॉर्डिंग एक एक जो है टिप्स देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 11 लाख से स्टार्ट करते हैं, इधर देखो। हाँ चलो, हाँ बताओ कोई एक टिप्स दो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या बताना चाहेंगे आप, क्या टिप्स देना चाहोगे? हाँ ठीक है, और बाकी जो है प्रोग्रामिंग में हाथ रहने चाहिए, और लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करोगे? लैंग्वेज में C++ प्रेफर करूँगा। C++, ठीक हो गया। और अब बताएंगे तनुज भाई, तनुज भाई तुम कौन सी लैंग्वेज में मतलब कोडिंग वगैरह कौन सी इंटरेस्टेड है, ज़्यादा तुम्हें पसंद है? ठीक है, तो पाइथन में हुआ, तो और उसमें कौन सी प्लेसमेंट के टाइम पे कौन सी यूज़ करी थी? C++ यूज़ करी थी, तो बढ़िया है। तो और कोई टिप्स देना चाहोगे? हो जाएगा, हार्ड वर्क करना है क्यों बस, ठीक है। और बाकी हिमांशु भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, आपको एक डायरेक्शन से काम करना है। हाँ, आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है अपनी इंटरव्यूज की भी, कोडिंग की भी। हाँ, ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आप पूरे प्रिपेयर्ड हो, एंड आपकी प्रिपरेशन ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगी। सही बात, आपको पूरा जो है अपने को प्रिपेयर करना है, अपने को ट्रेन करना पड़ेगा इंटरव्यूज कैसे फेस करना है, कैसे आपको कोडिंग करनी है, कैसे
आपको स्क्रीनिंग एग्जाम्स क्रैक करना है तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस बनेगा। अच्छा तो मैं सर ये बात बताओ ना मुझे, कहते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे क्या कॉलेज जो है अहमियत रखता है या फिर जो है स्टूडेंट्स पे डिपेंड रहता है हार्ड वर्क पे? काफ़ी हद तक इसमें दो बातें होती हैं। हाँ। एक तो है कि कॉलेज में अगर आपको थोड़ा डायरेक्शन मिल रहा है तो हेल्प करता है आपको बिल्कुल, एंड क्योंकि थोड़ा अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं होगा तो आप हाँ वो तो है एक कॉलेज की वजह से डायरेक्शन मिलता है कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो ये रहता है। बाकी ऐसे कोई ऐसा मैटर नहीं करता, कोई भी क्रैक कर सकता है किसी भी वही वही कॉलेज तो कोई भी हो वो तो स्टूडेंट्स का हार्डवर्क पर डिपेंड करता है मेरे। तो बाकी जो है भाई लोगों से भी मिला देता हूँ मैं, नाम बताओ फटाफट। उत्कर्ष भाई, वंस भाई बता दे, तनुज भाई, हर्षित बिष्ट, सचिन, अभिषेक, अभिषेक नाम भारत फेमस लोग है यार। और नाम बताओ अपना, हिमांशु रेकवाल भाई, 50 लाख याद रखना 50 लाख बोला है। तो तनुज भाई पहले जो है आप बताओ अपना एक्सपीरियंस जो है कॉलेज में कैसा रहा और जो तुम्हारी जो है जर्नी कैसी रही? कॉलेज तो स्टार्ट हुआ 2018 में, फर्स्ट ईयर तो बहुत ही मजे में गया था क्योंकि नए नए आए थे हम बिल्कुल, तो सबसे पहले फ्रेशर पार्टी इंडक्शन प्रोग्राम तो उसमें मजे में गया। सेकेंड ईयर से तो सबको पता ही है कोरोना आ गया था, कोरोना में की घर में मौज, पढ़ाई लिखाई सब ऑनलाइन, पेपर भी ऑनलाइन, फिर पता ही हुआ पेपरों में तो क्या होता ऑनलाइन में। उसके बाद जाके जैसे ही पहुँचे फोर्थ ईयर में तो आ गया प्लेसमेंट का सीज़न, तो फिर यहीं से निकाली हमने कुछ कंपनीज जैसे इंफोसिस हो गई, ईपैम सिस्टम, एसेंचर और लास्ट में निकाली हमने सैमसंग। इसका पैकेज अतुल भाई ने आपको बताया ही होगा 20 LPA, और इसको निकालने के लिए तो बस DSA करना हुआ, DSA करो हो जाएगा, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, कंसिस्टेंट रहो, वही कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, C++ जावा जो करते हो जिसमें करते हो, सिंपल यही है। और अब जो है अजय भाई आप बताइए कुछ। मैं तो मैं यही बताना चाहूँगा प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि हर किसी को यही रहता है कि प्लेसमेंट के बारे में रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको डे वन से बताऊँ तो डे वन की जो कंपनीज आती है आपकी इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एसेंचर, ये सब आपकी डे वन में आती है, ठीक है। तो जो इन कंपनीज का रहता है तो नॉर्मली आपका ये आपकी स्किल्स हो गई जैसे कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई और DSA में अच्छी वो पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो और जो आपके रही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज होती है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, तो इन लोगों के में थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज रहनी चाहिए, तो इन चीज़ की तो प्रिपरेशन 1 वीक में हो जाती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की। तो और बाकी रही बात प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग के लिए मिनिमम 3-4 मंथ्स चाहिए होते हैं, तो इन सब में पकड़ पहले से होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। बाकी रही है सही है, मेहनत करो हो जाता है। और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, अपना रेज्यूमे बना लेना अच्छे से, क्योंकि ऑन कैंपस हो गया ऑफ कैंपस तो रेज्यूमे मस्ट है, 2 प्रोजेक्ट्स उसमें मिनिमम ऐड कर लेना, और बस यही है, फिर रेज्यूमे हो जाएगा सिलेक्ट, तो फिर टेस्टिंग आ जाएगा, टेस्टिंग करने का इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, उसे पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग करते रहना सबसे मेन तो वही है, बाकी बचा एप्टीट्यूड या क्वांट और कोर सब्जेक्ट वो तो पढ़ ही लोगे कहीं ना कहीं से, बस यही सब है। और कुछ अजय भाई? रही चीज़ें थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ी अच्छी पकड़, जैसे कि हमारी लिंक लिस्ट वगैरह हो गया, ट्री ग्राफ के क्वेश्चंस हो गए, तो ये सब हमारी ऑन एंड अबव 8-10 के अबव इन सब के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपनीज के, ज़्यादातर टेक्निकल राउंड्स रहते हैं, 2 टेक्निकल राउंड रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली जिसमें हमारा इंटर्नशिप रहती है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फुल राउंड हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गया तो उसमें हमारे 3-3 टेक्निकल राउंड्स भी होते हैं, तो इन सब के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, एट द एंड टाइम इन चीज़ की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, तो इन सब के लिए पहले से प्रिपेयर, जैसे अपना कोई थर्ड ईयर में आता है तो अपना स्टार्ट कर दे अपना प्रोग्रामिंग वगैरह, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स मस्ती भी करी है, तो ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल एट द एंड। ठीक हो गया, तो ये तो बात हो गई प्लेसमेंट्स के रिलेटेड, तो और जो आप कॉलेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या रिव्यूज़ है आपके? तो ये काफ़ी अच्छी खासी पढ़ाई है यहाँ पे, मतलब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिलती है यहाँ पे आपको आने के बाद, और कॉलेज भी काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लोरेशन भी मिल जाता है। मतलब आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करोगे नहीं करोगे बीटेक सीएस के लिए? हाँ, यहाँ पे बीटेक सीएस टॉप कोर्सेज है यहाँ पे, बिल्कुल काफी अच्छी प्लेसमेंट्स है, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स है, और काफी रिव्यूज आपने देखे होंगे अतुल भाई के ब्लॉग्स में, कॉलेज के जितना भी मतलब जो कुछ भी डिटेल है सब उनके ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप जो है अजय भाई से और तनुज भाई से पूछ सकते हो, तो अपनी जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट बता दो, मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वहाँ से भी देख लेना आप लोग, और एक बार जो आप लोग भी बता दो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको बिंदास अरुण नाम से मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, अजय भाई का और तनुज भाई का, तनुज मेहता नाम से, ठीक है। तो
बता देना स्टूडेंट्स आएंगे तो जरा बहुत हेल्प कर देना, ठीक है? आपको इन दोनों की आईडी इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ यूट्यूब के जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन दोनों की जो है आईडीज। तो हर जगह जो आपको पोस्टर मिल जाएंगे, तनुज भाई जो है सैमसंग में प्लेस हुए 20 लाख, ठीक है, और ये हिमांशु भाई 44 लाख जो है अमेजोन में, और दो बच्चे और हुए, 3 जो है हिल से हुए अभी, और बाकी ये देख लो वॉलमार्ट में 23 लाख और AMD में 26 लाख, आयुष और प्रियंका जोशी इनका प्लेसमेंट हुआ है। तो फिलहाल तो अभी जो है भाई लोग जा रहे हैं घूमने, मैं भी जाता बट मेरा जो है अभी प्रैक्टिकल है इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। तो काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी है भाई लोगों ने आप लोगों को प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको, ठीक है? बाय बाय, ओके मिलते, चा चा। अरे रुको जरा, अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी ना कुछ ऐसा कि रैंडमली हम लोग का प्लान बना कि हम लोग जो है साथ में डिनर करते हैं, क्योंकि भाई लोग जो है इसके बाद सब जॉब्स पे जाएंगे, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। तो अभी जो है हम लोग इस प्यारे से जो है रेस्टोरेंट पाए हुए हैं, यहाँ पे जरा लाइटनिंग कम है जगह जगह पे लगे, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ और यहाँ पे भी अच्छे से लाइटनिंग आ नहीं पा रही है। तो अभी सामने बैठे हैं तनुज भाई, अजय भाई और हिमांशु भाई, और साथ में शुरू भी है। अभी जो है हम लोग इस रेस्टोरेंट पर आए, ठीक है, ये है, और अभी जो है मैं टाइम दिखाऊँ आप लोगों को, टाइम हो चुका है, अरे शुरू टाइम भी नहीं खुल रहे थे इसमें, टाइम देखो 11 बज गए और अभी भी जो है यहाँ पे इतनी भीड़ है, अभी जो है सब बाहर से आए हुए हैं, लोग भी सब टूरिस्ट हैं। अपना डिनर आ चुका है, भैया जो है लेके आ गए, हमने पनीर ऑर्डर किया है और चिकन और जो है तंदूरी रोटी यहाँ पे, अभी जो है हम लोग डिनर स्टार्ट करते हैं। नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए चिकन मंगाया है, अजय भाई सर्व कर रहे हैं यहाँ पे चिकन, और ये रहे वेजिटेरियन, इन लोगों के लिए जो है पनीर मंगाया हुआ है, ठीक है। तो गाइस डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस अभी जो है डिनर हो चुका है और काफी टेस्टी जो है डिनर था, और सर्दी भी काफी प्यारी थी यहाँ पे, और यहाँ पे चल रहा है इन लोगों का फोटोशूट, और यहाँ ही था ऊपर जो सेकंड फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए थे। अरे हो गया भाई स्मार्टी, आ जाओ। और बाकी यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है भाई, यहाँ क्या चल रहा है, किसके साथ चैटिंग हो रही है, आ जाओ। और बाकी ये है यहाँ का ग्राउंड फ्लोर, नीचे का भी देख लो आप, यहाँ पे जो है बार टेंडर है, ठीक। अरे आ जाएगी, इतनी फोटो खींच दिया इसे खिंचानी और फोटोज़ खिंचानी है, वैसे फ़ोटोज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी प्लेस है ये, देखो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी प्यारा रेस्टोरेंट है। हाँ ऐसी कैसे बोलते तेरी, यह है रेस्टोरेंट का नाम किट्टा एंड गुच्ची। तो अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं रेस्टोरेंट से, टाइम भी बहुत हो चुका है, टाइम जो है 11:18 हो गया है, भाई लोगों को भी लेट हो रही है, चले चलो शुरू मिलते हैं, ओके गुड नाइट ब्रोस, गुड नाइट। सो गाइस बाय बाय, स्टार्ट आज के ब्लॉग कहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, चलो गाइस गुड नाइट, टेक केयर।